से प्राइम टेलीकॉम में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ रेडमी नोट 6 प्रो में अगर डिस्प्ले में लाइट नहीं आ रही है तो आप उसको किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स के लिए। तो फ्रेंड्स ये मेरे पास नोट 6 प्रो है और इसको मैं आपको ऑन करके दिखा देता हूँ। ये देखिए मैंने इसको ऑन कर दिया है लेकिन जो इसकी डिस्प्ले है उसके अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। मैं अगर देख पा रहा हूँ तो इसमें ग्राफिक्स हैं वो आ रही हैं लेकिन इसके अंदर लाइट नहीं आ रही है। तो फ्रेंड्स चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसको आपको कैसे ठीक करना है। तो जैसा कि आप ये देख सकते हैं मैंने इसको पीछे से यहाँ से ओपन कर रखा है। ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं ये इसका पावर आईसी का सेक्शन है। साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है एक डायड भी लगा हुआ है और इसकी जो कॉइल है वो भी लगी हुई है। तो ये इसका लाइट सेक्शन है और इसी में जो है प्रॉब्लम है। मैं आपको मीटर से भी चेक करके अभी एक बार बता देता हूँ कि आपको इसमें कैसे इसको ट्रेस करना है। ये देखिए यहाँ पर मैं आपको जो दिखा रहा हूँ ये देखिए यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं ये जो है लाइट की कॉइल है। ये यहाँ पर लाइट का जो डायड है जिसकी सप्लाई जो है डिस्प्ले के अंदर जाती है वो है और ये इसके आसपास जो है कैपेसिटर लगे हुए हैं रेजिस्टेंस लगे हुए हैं काफ़ी सारे ये सब इसके ऊपर लगा हुआ है। तो चलिए अब मैं आपको इसमें बताता हूँ कि इसमें आपको कैसे सब कुछ करना है। तो सबसे पहले आप मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पे लगा लीजिए। इस पर लगाने के बाद में इसमें जो है आप चेक करेंगे जो सप्लाई है वो कैसे कैसे आ रही है। ये देखिए यहाँ पर मैं इसको एक बार ग्राउंड पे लगा देता हूँ और ये जो डायड है इसका जो इस साइड वाला सिरा जिसके ऊपर आप निशान देख सकते हैं हर एक में होता है इसके आप इस साइड वाले सिरे पे ये लगा के देखिए जो मल्टीमीटर का प्लस पॉइंट है। और ये देखिए ये यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ तो ये डायरेक्ट है जो बीप कर रहा है यानी कि यहाँ पर ये शॉर्ट है। इस तरफ से जो है सप्लाई कॉइल में से होके आती है और इसके अंदर से आके बूस्ट होके ये डिस्प्ले के अंदर जाती है इसके अंदर। तो चलिए एक बार हम ये भी चेक कर लेंगे इसमें जो सप्लाई है कौन सी पिन पे है। तो हम यहाँ पर ही इसको लगाते हैं ये अभी ग्राउंड है। तो चलिए एक बार इसका जो ग्राउंड है वो हम देख लेते हैं कैसे है। इसकी जो सप्लाई है यहाँ पर ये जो आप कैपेसिटर देख रहे हैं इसके ऊपर आती है यहाँ से और ये जो कैपेसिटर है इसको हम देख लेते हैं और देखिए ये दोनों तरफ से बीप कर रहा है यानी कि ये शॉर्ट है। इसको हम एक बार उतार कर देख लेते हैं उससे पता लग जाएगा कि हमारी जो ये सप्लाई है शॉर्ट हो रही है इसी की वजह से या फिर कुछ और प्रॉब्लम है। मैं इसको उतार रहा हूँ। देखिए मैंने इसको एक तरफ से उतार दिया है दूसरी तरफ से भी उतार लेते हैं। तो देखिए ये जो मैंने उतार लिया है और अब हम इसकी जो सप्लाई है उसको चेक कर लेते हैं कि अभी भी वो शॉर्ट दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है। फ्रेंड्स देखिए अभी ये जो है नॉर्मल दिखा रहा है शॉर्टिंग है वो इसकी हट गई है यानी कि ये जो हमारा कैपेसिटर था ये शॉर्ट था। चलिए अब हम इसके जो प्लस है उस पर हम इसको लगा के देख लेते हैं। ये मैं इस पर लगा रहा हूँ और ये वाला जो सिरा है मैं यहाँ डिस्प्ले के पिंस के ऊपर लगा के देखूँगा। ये जो है साइड में ही मिलता है यहाँ पर आपको चारों तरफ साइड में आप लगा के देख लीजिए आपको कहीं ना कहीं जो ये पॉइंट है वो मिल जाएगा। ये हमेशा साइड में ही होता है जो लाइट का होता है कभी भी आपको मिडल में नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पर जो है ये बीप आ रही है इस पॉइंट पर ये यहाँ से शायद पहला पॉइंट है। ये देखिए यहाँ पर ये पहला पॉइंट है यहाँ पर जो बीप आ रही है। अब हम इसके ऊपर एक बार सप्लाई और देख लेते हैं। मैं इसको ग्राउंड पे लगा लेता हूँ और ये फर्स्ट पॉइंट है उसके ऊपर 581 की सप्लाई आ रही है। तो ये फ्रेंड्स ये हमारा ट्रैक है ये अभी ओके है और अभी हम इसको एक बार ऑन करके देख लेते हैं कि शॉर्टिंग वजह से तो लाइट नहीं जा रही थी। तो इसको मैं दोबारा से ऑन करता हूँ। और फ्रेंड्स ऑन तो ये हो गया है लेकिन अभी भी इसके अंदर लाइट नहीं आ रही है। इसके अंदर MI लिखा हुआ आ रहा है मैं देख सकता हूँ वीडियो में शायद नहीं दिख पाएगा लेकिन इसमें लाइट अभी भी नहीं आई है।
चलिए एक बार फिर से अब जो इसका दूसरी चीज़ है वो मैं चेक कर लेता हूँ कि यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था ये जो यहाँ पर जो कॉइल लगी होती है इसके दोनों तरफ जो है आपको बैटरी के प्लस की सप्लाई मिलती है, इस तरफ भी और इस तरफ भी। तो ये हम एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए इस तरफ जो है बीप आनी चाहिए थी लेकिन वो नहीं आ रही है। ये देखिए यहाँ पर अभी कोई भी सप्लाई नहीं दिखा रहा है। और इस तरफ देख लेते हैं और देखिए इस तरफ जो है इसमें जो है कुछ सप्लाई है वो आ रही है। इसको आप डायरेक्ट ऐसे दोनों सिरों पे लगा के भी चेक कर सकते हैं, ये कंटिन्यूटी मोड में बीप करेगा अगर ये ओके होगा तो। तो फ्रेंड्स ये मैं लगा रहा हूँ तो इस पर कोई भी बीप नहीं आ रही है। ये जो कॉइल है इसकी, इसके ऊपर दोनों सिरों पर कोई बीप नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये भी हमारी जो है ख़राब है। तो इसको भी हम एक बार चेंज कर लेते हैं। इसको हम चेंज करने के लिए एक मैं मदरबोर्ड है वो ले रहा हूँ। ये मेरे पास एक MI का मदरबोर्ड है, इसमें जो है यहाँ पर कुछ कॉइल ऐसे लगी हैं, मैं इनको उतार लेता हूँ और इसमें हम इसको लगा के देखेंगे। पहले हम बैटरी है उसको निकाल देते हैं और हम इसको चेंज कर लेते हैं। पहले हम इसको उतार देते हैं, फिर इस मदरबोर्ड में से हम ये IC उतार के इसके ऊपर लगाएंगे। तो ये मैंने जो है इसकी कॉइल IC उसको उतार दिया है, इसको हम रख देते हैं साइड में। और अब जो ये दूसरा बोर्ड था इसके ऊपर से मैं एक कॉइल IC है उसको उतार के इसके ऊपर लगाने वाला हूँ। देखिए मैंने इसको उतार लिया, मैं इसको इसके ऊपर लगा देता हूँ। फ्रेंड्स ये हमें लगा दिया है, तो चलिए अब हम इसको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, उसके बाद में हम इसको ऑन करके भी देखेंगे। ये जो है कॉइल IC है ये बूटिंग का काम करती है, जो लाइट ऑन होने के लिए जितनी वोल्टेज चाहिए होती है। ये जो नॉर्मल वोल्टेज हमारी बैटरी की है 3.7 या 3.8 वोल्ट, उसको थोड़ा सा बूस्ट करके मैक्सिमम कर देती है, थोड़ी सी ज़्यादा कर देती है, जिससे जो हमारी लाइट्स हैं वो ऑन हो जाती हैं। कई फ़ोन्स में ये 20 वोल्ट के आसपास होता है, कईयों में 9 वोल्ट के आसपास होता है, तो ये अलग अलग फ़ोन्स में अलग अलग होता है। ये थोड़ा सा हमारा ठंडा होगा, अभी काफ़ी गर्म है। ये मैंने बोर्ड को नहीं निकाला है, ऐसे कैसा जो है इसको चेंज किया है, तो अभी थोड़ा सा ज़्यादा गर्म है और जब तक ये ठंडा होता है आपको बता देता हूँ। नोट 6 प्रो है ये, और इसमें जो है लाइट की प्रॉब्लम थी जो हम ठीक कर रहे हैं। फ्रेंड्स अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लाता रहता हूं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, अगर आपका इससे काम हो जाए तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर लीजिए, इससे आपका जो सपोर्ट है मिलता रहता है और मैं आपके लिए ऐसी वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होता हूँ। चलिए इसको हम ऑन भी करके देख लेते हैं, अभी है थोड़ा सा गर्म ले, फिर भी हम इसको देखेंगे अभी ऑन करके। ये जो है मैंने इसमें जो पत्ता है वो लगा दिया है, अब हम इसको देख लेते हैं ऑन करके।
फ्रेंड्स ये देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं जो इसमें लाइट का इशू था वो हमारा ठीक हो गया है। इसमें लाइट है वो दो कारण से है जो नहीं आ रही थी। एक तो इसका जो कैपेसिटर है वो शॉर्ट था और दूसरा जो इसकी कॉइल आईसी है वो भी इसकी ख़राब हो चुकी थी। तो मैंने जो इसका कैपेसिटर है ख़राब था, शॉर्ट था, वो हटा दिया है बिल्कुल। और जो इसकी कॉइल की आईसी है ये मैंने दूसरे बोर्ड में से चेंज कर दिया, तो हमारी जो लाइट है वो आ गई है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें अगर आपके लिए ये हेल्पफुल रहती है, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सेट को मैं पूरा ऑन होने देता हूं एक बार। फ्रेंड्स अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है मेरी, तो प्लीज इसे अपने फ्रेंड्स के पास शेयर भी कर दीजिए, ताकि मुझे थोड़ी सी प्रेरणा मिले और मैं आपके लिए और अच्छी वीडियो बना पाऊं। देखिए जो फोन है हमारा अभी पूरा ऑन हो गया है, आप इसके अंदर देख सकते हैं लाइट है, ओके है। तो फ्रेंड्स मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।